हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं देवी? कौन है आप? स्वामी, आपने मुझे नहीं पहचाना? अपनी दासी को। मेरी दासी? आपको अवश्य धोखा हुआ है देवी। धोखा मुझे नहीं, आपको हुआ है। मैं आपकी पत्नी वसुंधरा हूँ। ये कैसे हो सकता है देवी? स्वामी, भ्रम न कीजिए, मैं ही आपकी पत्नी वसुंधरा हूँ। नहीं, हे ईश्वर, अब इन्हें कौन समझाएगा? सुदामा, देखिए ना देवर जी, ये मुझे पहचान ही नहीं रहे। आप ही इन्हें समझाइए ना। अरे, तुमने भाभी जी को नहीं पहचाना? तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? नहीं। ये तो सब माता लक्ष्मी का चमत्कार है। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर भाभी को चिर यौवना का वरदान दिया है। महामंत्री, वृंदापुरी में यह सब क्या हो रहा है? कौन है जो माया जाल फैला रहा है? रातों रात सारे वृंदापुरी के घर हमारे राजमहल जैसे कैसे हो गए? आज जब हमने अपनी राजवाटिका से देखा तो सब ओर महल ही महल नजर आ रहे हैं, हमारे राजमहल से भी बड़े महल। हमने अपने होश में देखा है या नशे में? नहीं महाराज, राजवाटिका के बाहर का दृश्य जो आपने देखा है वो न तो कोई माया जाल है, न ही नशे में डूबी आंखों का भ्रम है। ना तो ये माया जाल है और ना ही हमारी आंखों का भ्रम। तो फिर रातों रात वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण किसने और कैसे बना दिया? ये असंभव संभव कैसे हो गया? महाराज, वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण स्वयं स्वर्गलोक के निर्माता विश्वकर्मा ने अपनी योग माया से बनाया है। गतरात्रि देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं वृंदापुरी में पधारे थे। वृंदापुरी के एक एक नगरवासी ने उनके दर्शन किए। स्वर्ग निर्माता देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं हमारे राज्य में पधारे थे और किसी ने हमें खबर तक नहीं की? महाराज, आपको जगाने की बहुत चेष्टा की गई थी, परंतु। परंतु क्या? बोलो मंत्री, परंतु क्या? यदि दंड का पात्र न समझे तो कहूं? शीघ्र ही बोलो, क्या बात है? तुम दंड मुक्त हो। रोज की भांति गत रात्रि को भी आप सोमरस पान करके सो गए थे। लाख उठाने पर भी आपकी नींद नहीं टूटी। तुम ठीक कहते हो महामंत्री, हम रात को मदिरा का रस पान करके नशे में धुत पड़े थे और यही कारण है कि हमने ना तो स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा के दर्शन किए और ना ही उनके दिव्य चमत्कार को देख सके। धिक्कार है, धिक्कार है हम पर। नहीं महाराज, धिक्कार अपने आप पर न करें, धिक्कार है उस मदिरा को जिसके नशे में आप न सच देख पाते हैं न सच सुनना चाहते हैं। झूठे कवि आपकी प्रशंसा करके झोलियां भर भर कर धन ले जाते हैं। हां महामंत्री, ये एक कटु सत्य है। इससे भी बड़ा कटु सत्य ये है महाराज कि ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा और चक्रधर जैसे ब्राह्मण कवि महाराज से उपहार और पुरस्कार पाने की जगह दंड पाते हैं। सुदामा के साथ तो निश्चय ही हमने घोर अन्याय किया है।
परंतु ईश्वर ने उनके साथ ऐसा न्याय किया है कि आज सारी वृंदापुरी केवल सुदामा के कारण सुख और शांति का स्रोत बन गई है। ये क्या कह रहे हो महामंत्री? वृंदापुरी का परिवर्तन केवल सुदामा के कारण हुआ है? हाँ महाराज, द्वारिकाधीश उनके बाल सखा हैं, उन्हीं के लिए श्री कृष्ण राजमहल बनाना चाहते थे, परंतु उनकी धर्म पत्नी ये नहीं चाहती थी कि जिन लोगों से सुदामा ने भिक्षा ली उन्हीं टूटे फूटे घरों के बीच वो राजमहल में रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदापुरी के घर घर को राजमहल में बदलने का निर्णय किया और आज सुदामा का राजमहल आपके इस राजमहल से भी अधिक विशाल और वैभवशाली है महाराज। जिसको हमने अपने महल से धक्के मार कर निकाल दिया था उसे भगवान श्री कृष्ण ने आज निहाल कर दिया। हाँ, आज वृंदापुरी का एक एक बच्चा सुदामा की प्रशंसा के गीत गा रहा है। आप राजा हैं, पर अब सुदामा वृंदापुरी की जनता के दिलों में राज कर रहा है। सत्य है, हमसे घोर अपराध हुआ है जो ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा का अपमान किया। हमें दंड मिलना चाहिए, परंतु ईश्वर ने हमें इसका दंड क्यों नहीं दिया? इसलिए महाराज कि ईश्वर हर प्राणी को दंड देने से पहले उसे प्रायश्चित का अवसर अवश्य देता है। पर हम इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? अगर आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दूं। कहो। पहले तो आप इस मदिरा को त्याग दें। सारे पापों की जड़ ये मदिरा है। मदिरा का रसपान करना छोड़ देंगे तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचे रहेंगे। परंतु इससे सुदामा के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित कैसे होगा? महाराज, आज जब सारी वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्गलोक का दर्पण बन गई है तो क्यों ना वृंदापुरी का नाम बदलकर सुदामा नगर रखा जाए। सुदामा नगर प्रस्ताव अच्छा है महामंत्री। वृंदापुरी को सुदामा नगर बनाने की तुरंत घोषणा की जाए। किसने रास्ते में फूल बिछा दिए। जय श्री कृष्ण। प्रभु, द्वारिका जाते समय मैंने अपने बीबी बच्चे आप ही की शरण में दिए थे। वो सब सकुशल तो है ना प्रभु? मेरी वसुंधरा अच्छी तो है ना भगवान? स्वामी,
स्वामी आप आ गए, आप आ गए स्वामी, आप। अरे अरे ये आप क्या कर रही हैं देवी, कौन है आप? स्वामी आपने मुझे नहीं पहचाना, अपनी दासी को। मेरी दासी, आपको अवश्य धोखा हुआ है देवी। धोखा मुझे नहीं, आपको हुआ है। मैं आपकी पत्नी वसुंधरा हूं। वसुंधरा? ये कैसे हो सकता है देवी? स्वामी भ्रम न कीजिए, मैं ही आपकी पत्नी वसुंधरा हूं। मेरी वसुंधरा ऐसी नहीं हो सकती। हे ईश्वर, अब इन्हें कौन समझाएगा? सुदामा, 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 अरे मेरे मित्र सुदामा, तुम आ गए, तुम आ गए मेरे मित्र। मैं कितने दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था, और ये वसुंधरा भाभी भी तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। वसुंधरा भाभी? हाँ हाँ। देखिए ना देवर जी, ये मुझे पहचान ही नहीं रहे, आप ही इन्हें समझाइए ना। अरे अरे, तुमने भाभी जी को नहीं पहचाना? भाभी को नहीं पहचाना? अरे ये वसुंधरा भाभी ही है, तुम्हारी धर्म पत्नी। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? नहीं। ये तो सब माता लक्ष्मी का चमत्कार है। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर भाभी को चिर यौवना का वरदान दिया है। माता लक्ष्मी जी ने वरदान दिया है? और अब तुम इन्हें आशीर्वाद दो। भाभी जी, अरे आप खड़ी खड़ी वहां क्या कर रही हैं? आइए, अरे इसके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। आइए आइए आइए। सौभाग्यवती भव। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। अरे अरे, तुम्हारे जाने के बाद यहां कैसे कैसे चमत्कार हुए पूछो मत। अच्छा, और नहीं तो क्या? सबसे पहले यहां विश्वकर्मा पधारे। विश्वकर्मा? श्री कृष्ण ने उन्हें तुम्हारे घर को राजमहल में बदलने के लिए भेजा था। श्री कृष्ण? हाँ, पर भाभी जी ने आज्ञा नहीं दी। कहा कि मेरे स्वामी ने इस बस्ती के घर घर जाकर भिक्षा ली है, बड़े उपकार हैं सबके, इसलिए उन सबके घर टूटे फूटे रहे और केवल अपना घर राजमहल बने, ये इन्हें स्वीकार नहीं है। वाह वसुंधरा, वाह। तब श्री कृष्ण ने क्या किया पता है?
उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा को वृंदापुरी के हर घर को राजमहल में बदलने की आज्ञा दी। उधर देख, उधर बस्ती की ओर। हर घर राजमहल में बदल गया है, देख। हर घर राजमहल बन गया। हाँ हाँ, और वो तुम्हारा घर। सबसे बड़ा, सबसे वैभवशाली, श्री कृष्ण के राजमहल जैसा। श्री कृष्ण जैसा राजमहल? अरे अब वो महल कहाँ, मंदिर है मंदिर। माता लक्ष्मी ने अपने दिव्य चरण चिन्ह छोड़े हैं वहां पर। प्रभु, वाह प्रभु वाह, मेरे पीछे आप यहां लीलाएं दिखाते रहे और अपने मित्र को भनक भी नहीं लगने दिया। मैं मूर्ख ये समझ रहा था कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्षमा करना प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पर इसमें सब दोष मेरा नहीं है, वो मुरली मनोहर है ना, वो पता नहीं क्या नाप शनाप बक रहा था। प्रभु उसे भी क्षमा कर देना, वो क्या जाने आपकी अपार लीलाओं को। देवी, भक्तराज सुदामा के इस भोलेपन का तो स्वयं मैं भक्त हूं। और मैं भी। तो ये थी वसुंधरा और वृंदापुरी की काया पलटने की कथा। पर काया पलटने की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अच्छा, और किसकी काया पलटी है? देवर जी की। चक्रधर की? चक्रधर जी अब बदल गए हैं, इन्होंने राजा का गुणगान बंद कर दिया है। अच्छा, राजा ने इस पर इन्हें भी वही दंड दिया था जो आपको दिया था। देवर जी भी केवल ईश्वर का ही गुणगान करते हैं। वाह वाह मित्र, वाह वाह मित्र वाह। वाह मेरे चक्रधर, प्रभु मेरे ब्राह्मण मित्र का ये मनोपरिवर्तन मेरे लिए सबसे प्यारा है। चक्रधर को फिर से धर्म के मार्ग पर लाने का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु अब और कौन सा अचंभा, कौन सा चमत्कार बाकी है?
वो भी बता दो। धैर्य रखो सुदामा, अभी और भी चमत्कार बाकी हैं। जरा घर तक तो पहुंचो, फिर देखो क्या होता है। अरे सुदामा जी आ गए, सुदामा जी। अरे देखो सुदामा जी आ गए, सुदामा जी आ गए। अरे सुदामा जी आ गए, चलो जल्दी। सुदामा 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 सुद
पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। क्षमा करें भक्तराज, क्षमा करें। ये क्या राजन, आप एक गरीब की कुटिया पर इस तरह पधारे और सब नगरजनों के सामने पैर पकड़े, ये आपको शोभा नहीं देता। जिन चरणों की धूली से वृंदापुरी के भाग्य बदल गए, मैं उन्हीं की चरण धूली अपने माथे से लगाकर अपने भाग्य बदलना चाहता हूं। आपके प्रति मैंने जो अन्याय और अत्याचार किया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं राजन, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा हूं आपके मन में पश्चाताप की अग्नि जल रही है। इस अग्नि में सारे पाप भस्म हो जाते हैं। आओ राजन, आओ। क्या राजन, आज से आप सुदामा नगर के राजा हैं। नहीं महाराज, ब्राह्मण का कर्तव्य राज करना नहीं है, बल्कि राजा को धर्म का मार्ग दिखाना है। यदि राजा भूल करे और गलत नीतियों को अपनाए तो उसे रोकना ब्राह्मण का धर्म है। ये राज्य आपका है, राज आप ही करेंगे और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, आज से आप ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम आपको आज ही से राजगुरु की पदवी देने की घोषणा करते हैं। बोलो राजगुरु सुदामा जी की जय। बोलो राजगुरु सुदामा जी की जय। बोलो राजगुरु सुदामा जी की जय। उठो राजन, कल्याण हो।
मित्र, भाभी ने कहा था कि जब उनका ब्याह हुआ था तब तुम उनका हाथ पकड़कर जिस तरह से टूटे फूटे झोपड़े में लाए थे, उसी तरह जब तक उनका हाथ पकड़कर राजमहल में नहीं ले जाओगे तब तक वो राजमहल में नहीं जाएंगी। अपने नए घर में चलो। संकट मोचन, मुझे दर्शन चाहिए था, दर्शन मिला। वसुंधरा को धन चाहिए था, सो से धन मिला। मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है, मेरे इस वैरागी मन को दौलत के लालच से बचाए रखना। मोह माया के चाल से हमेशा बचा के रखना। मेरी आपसे केवल एक विनती है, अपने भक्त की अंतिम विनती को स्वीकार करना। प्रभु सुन रहे हैं ना, मेरी विनती को हाँ कह दीजिए, स्वीकार करो। तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जीवन में कभी भी तुम माया के दास नहीं बनोगे, बल्कि हमेशा माया तुम्हारी दासी बनकर रहेगी, तुम्हारी
और तुम्हारे परिवार की सेवा करेगी।